अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 का आगाज़ कल होगा और जिसमें पाकिस्तान की टीम 3 T20 खेलेगी आयरलैंड के साथ और 4 T20 खेलेगी वो इंग्लैंड के साथ। तो इसका जो पहला मैच है वो कल खेला जाएगा। तो उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा मसला ये दरपेश हुआ है, पाकिस्तान की जो PCB है उसने आयरलैंड बोर्ड से नाराज़गी का इजहार किया है। उसकी वजह क्या है कि क्यों नाराज़गी का इजहार किया है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने मोहम्मद आमिर एक मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, नासाज है, और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं उनको आयरलैंड की तरफ से वीज़ा नहीं जारी हुआ और वो आयरलैंड नहीं पहुंच पाए। तो अभी ये पाकिस्तान की मतलब PCB ने ये नाराज़गी का इजहार किया है कि उनको वीज़ा स्टार प्लेयर को वीज़ा जारी करना चाहिए था। तो उसके अलावा पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला जो T20 है वो कल खेला जाएगा, दूसरा 14 मई को खेला जाएगा, 12 मई को खेला जाएगा, तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। और उसके अलावा भी पाकिस्तान की टीम यहाँ से इंग्लैंड रवाना होगी और वहाँ खेलेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंग्लैंड से वापस वेस्ट इंडीज और अमरीका यहाँ जाएगी। यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप आप लोगों को मालूम है कि वो स्टार्ट होने वाला है और उसमें वहाँ शिरकत करेगी। और उसके अलावा पाकिस्तान टीम अपना मैच एक इंडिया के खिलाफ खेलेगी जो अमेरिका में खेला जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं आप लोगों को उस मैच की वीडियोस लम्हा बाय लम्हा और रिपोर्ट्स आप लोगों को देता रहूँगा। और इसके अलावा आप लोगों को T20 में भी इंशाल्लाह रिपोर्ट्स आती रहेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आप लोगों ने आगे शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले हैं। तो देखते रहे मेरे चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।